एनआईए ऑफिसर तंजील अहमद के हत्यारों का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। जांच कर रही एनआईए की टीम तंजील अहमद के घर बिजनौर पहुंची, जहां एनआईए ऑफिसर तंजील अहमद के बच्चों ने घटना की पूरी जानकारी दी। तंजील के बच्चे शाहबाज और जिमनीश ने बताया कि लोगों ने किस तरह से फायरिंग स्टार्ट की और कैसे गोलियां खत्म होने के बाद बंदूक रीलोड करके उन्होंने तब तक गोलियां बरसाई जब तक तंजील का शरीर बेहरकत नहीं हो गया। पापा ने उस वक्त आपसे कुछ बात किया, कुछ बोला? पापा ने बस इतना, क्या हो गया बेटा? पापा ने बस इतना बोला था कि जो जैसे उनकी पहली गोली लगी, पापा ने बोला कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ मुझे और मेरी बहन से। अच्छा, कोई और आया उसके बाद मदद के लिए? कोई आया शोर मचाया? नहीं, कोई एक आया था लेकिन वो हमारी मदद नहीं किया, वो चले गए। फिर गाड़ी किसने चलाई वहाँ से हॉस्पिटल तक के लिए? वहाँ से हॉस्पिटल तक के लिए मेरे साथ गए थे मुझे। अच्छा, बताया जा रहा था शादी में देखा गया उन लोगों को बाइक लेके चक्कर मारते हुए? पापा पहले भी निकल के अकेले गए थे उससे पहले जब आप लोगों को लेके आए वापस? नहीं बेटा, आप लोग पीछे एक सीट में नीचे बैठ गए थे, आप और सिस्टर आपकी? वो लोग थे एक बाइक पे, वो लोग आगे से आए, हमारी गाड़ी को देखते पीछे यू टर्न लिया और पापा वाली साइड पे आके पीछे वाले ने शूटिंग करी। जब शीशा टूटा तो पापा की कंट्रोल खो गया, पापा की उस गाड़ी से, और आगे जाके गाड़ी डूब गई और वो मारते गए, पापा को मारते ही गए, उनकी गोली खत्म हो गई तब भी वो भर के फिर से मारते गए जब तक पापा बिल्कुल खत्म नहीं हो गए। पापा ने मारी थी उन्होंने, गोली उसके अंदर भरी थी। पापा ने कभी कोई खतरा बताया था आप लोगों को? कुछ नहीं, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हमारी टीमें, यूपी की टीमें अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते।